हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रैप कांड। आपको याद ही होगा रफ्तार और एमवे बंटाई का 5 साल पहले एक इंटरव्यू की वजह से बीफ चली थी, जो पूरा डीएचएच का सीन हाइप कर दिया था। हाइलाइटेड लाइन थी, क्या रैपर पैसे कमा पा रहे हैं। इसमें रफ्तार ने एमवे बंटाई का एग्जाम्पल दिया था कि कहा था कि एमवे बंटाई अभी पैसे नहीं बना पा रहे हैं, और ए लाइन एमवे बंटाई को बुरा लगा क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मार्केट वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है रफ्तार के इस स्टेटमेंट से, और यही कारण था बीफ स्टार्ट होने का, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने की, जो कि पूरे डीएचएस के सीन को बदल दिया। आज एक इंटरव्यू रफ्तार का अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें उनका डिस्ट्रैक्ट शेख चिली का वो ब्रेकडाउन कर रहे हैं, जिसमें कई सारी बातें एमवे बंटाई के बारे में वो कह रहे हैं, कैसे उन्होंने वो पॉइंट्स लिखे अपने डिस्ट्रैक्ट में, इसके बारे में उन्होंने बातें की हैं, पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन किया अपने शेख चिली ट्रैक का। इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में देखें तो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि एमवे बंटाई इसका रेस्पॉन्स दे सकते हैं। इस इंटरव्यू के 2 घंटे बाद ही एमवे बंटाई ने एक स्टोरी पोस्ट की है, जो कि एक प्रमोशनल पोस्ट है। लिखा है उठा लो हैशटैग सड़क, जो कि एक कैब को प्रमोट कर रहे हैं। पर आपको याद ही होगा हैशटैग सड़क एमवे बंटाई का सॉन्ग, जिसके लास्ट में रफ्तार और एमवे बंटाई का प्रोमो आया था एक कोलैबोरेशन का, और फिर रफ्तार और एमवे बंटाई का लफड़ा हो गया और फिर एक कोलैबोरेशन ट्रैक आया नहीं। सो गाइस, आपको क्या लगता है एमवे बंटाई क्या इससे पोक होंगे? ये जो इंटरव्यू में जो इन्होंने बोला है, जो चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, फिर से एक दबा हुआ मुद्दा को फिर से वो सामने लाए हैं, तो क्या इससे एमवे बंटाई पोक होंगे या कुछ उनका रिएक्शन आएगा इस पे? आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हो। सो गाइस, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।